Assalamu alaikum viewers, hello and welcome to my channel Life Attractions. If you want to make your hairs healthier and shinier and you want to look great, so aap in hair mask so apne baalon mein apply kijiye aur isse fayda uthaiye. Viewers, video ko aage badhane se pehle aapse hai ek choti si request. प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, जब गर्मी का मौसम आता है तो बालों की सेहत काफी खराब होने लगती है और बाज दफा बालों की सेहत नजरअंदाज भी हो जाती है। तो व्यूअर्स, अपने बालों की सेहत को नजरअंदाज करने के बजाय आप इन आसान घरेलू टिप्स पर अमल कीजिए और इनके हैरत अंगेज नतायज देखिए। व्यूअर्स, ये जो हेयर मास्क मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा आसान है, यानी इनमें मौजूद हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आम तौर पर आपके घर में मौजूद होते हैं। सबसे पहला टोटका जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है मिल्क थेरेपी। मिल्क थेरेपी आसान तरीन और फायदेमंद हेयर मास्क है। दूध के इस्तेमाल से बाल तेजी से लंबे और नेचुरली मॉइस्चराइज हो जाते हैं। बालों को शैम्पू करने के बाद बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक दूध लगाएं और 5 मिनट की मसाज के बाद सारे पानी से धोकर बाल सुखा लें। बेहतरीन नतायज के लिए ये अमल हफ्ते में 3 बार किया जा सकता है। इसमें मिल्क की क्वांटिटी आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपके बालों की लेंथ है और आपके बालों की ग्रोथ है, उस हिसाब से आपने मिल्क इस्तेमाल करना है। अंडे से रूखे और बेजान बालों को सेहतमंद बनाना, आप एक फेटा हुआ अंडा लें और जितना अंडा है उतना ही दूध लें। इन दोनों को एक साथ खूब अच्छी तरह बीट करके मिक्स कर लें। अब इसे बालों की जड़ों में 5 मिनट मसाज करें और बाल किसी भी माइल्ड शैम्पू यानी कम केमिकल वाले शैम्पू से धो लें। व्यूअर्स, अंडा वैसे ही हमारे बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। उसको लगाने से बाल बहुत ही ज्यादा लाइवली लगने लगते हैं। एग मास्क के बाद हम आपसे शेयर करते हैं एक और हेयर मास्क के बारे में, तिलों के तेल और ग्लिसरीन से बना हुआ हेयर मास्क। अगर आपके बाल कंघी करते हुए टूटते हैं तो आप तिलों का तेल और ग्लिसरीन का इस्तेमाल जरूर करें। एक चाय का चम्मच तिलों का तेल और एक चाय का चम्मच ग्लिसरीन ले लें। अब इसमें अंडे की जर्दी मिलाकर अच्छी तरह इसको बीट कर लें। अब इस मिक्सचर को जड़ों समेत सिरों तक लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। व्यूअर्स, कोई भी रेमेडी आप अपने सर पर अप्लाई करें, चाहे वो हेयर मास्क हो या फेस मास्क हो या अपनी हेल्थ के हवाले से आप जो भी रेमेडी कर रहे हैं उसको कम से कम 1 वीक या फिर 15 डेज या 1 मंथ तक जरूर करें ताकि उसके अच्छे रिजल्ट्स सामने आ सकें। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बेजान और उलझे हुए रहते हैं और कंघी करते वक्त टूटने लगते हैं तो आप एक और हेयर मास्क यूज कर सकते हैं जो कि है गर्म तेल से बालों में मसाज करने के हवाले से। हफ्ते में 2 बार गरम असल खोपरे के तेल से बालों की जड़ों से सिरों तक मसाज करें। अब नीम गरम पानी में तौलिया भिगोकर निचोड़ लें और इसे अपने बालों पर लपेट लें। इस अमल को 2 से 3 बार 5-5 मिनट के लिए दोहराएं। तेल एक रात लगा रहने दें, दूसरे दिन की सुबह बाल धो लें। इससे बाल कुदरती तौर पर कंडीशन्ड हो जाएंगे, जिसको हम कोकोनट ऑयल थेरेपी भी कह सकते हैं। अब है हमारे पास एक और हेयर मास्क जो कि है कैस्टर ऑयल थेरेपी। बालों को स्ट्रॉन्ग और घना बनाने के लिए कैस्टर ऑयल बेहतरीन ऑप्शन है। कैस्टर ऑयल से बालों का कलर भी बरकरार रहता है। इस्तेमाल के लिए 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल को मिलाएं और मसाज कर लें। बालों में तेल एक रात लगा रहने दें, दूसरे दिन किसी अच्छे शैम्पू से बाल धो लें। व्यूअर्स, आलमंड ऑयल के जरिए भी आप अपने बेजान बालों का इलाज कर सकते हैं। अगर बार बार शैम्पू करने या बाल खोल कर रखने की वजह से आपके बाल बेहद बेजान और रूखे हो गए हैं तो ऐसे बालों का इलाज बादाम के तेल से करें। बादामों के तेल में अंडे की जर्दी मिलाकर इससे मसाज करें। ये हेयर मास्क 1 घंटा लगा रहने दें। इसके बाद बालों को किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। व्यूअर्स, कोशिश करें जब आप अपने बालों को धोएं तो माइल्ड शैम्पू यानी कम केमिकल वाले शैम्पूस का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप हर्बल शैम्पू भी चूज कर सकते हैं ताकि आपके बालों की सेहत बरकरार रहे। द नेक्स्ट वन इज आमला हेयर ऑयल थेरेपी। आमला ऑयल का इस्तेमाल सर की खुश्की खत्म करने और बालों का एसिड अल्कलाइन बैलेंस रखने के लिए नहायत मुफीद है। आमला तेल बनाने के लिए 1 मुट्ठी खुश्क आमला लें।
अब इन्हें पीस कर पाउडर बनाकर 100 मिलीग्राम खोपरे के तेल में मिला लें। इस मिक्सचर को कांच यानी ग्लास की एयर टाइट बॉटल में डालकर रोजाना धूप में रखें। 15 दिनों के बाद तेल छान लें और इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। इस DIY तेल के फवायद आपको हैरान कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज मायोनीज ट्रीटमेंट मास्क। बेजान रूखे बालों को सुलझाने का वक्त नहीं है, तो इसका सबसे आसान और मौसर तरीका यह है कि बस किचन में जाएं और अपने बालों की लंबाई देखते हुए मायोनीज लें और इसे बालों पर मास्क की सूरत में लगा लें। 30 मिनट्स बाद शैम्पू कर लें। इस मास्क के बाद आपको किसी स्ट्रेटनर या कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीवर्स, ये थी कुछ ऐसी हेयर मास्क होम रेमेडीज जिनको आप इजीली अपने हेयर्स पर अप्लाई करके अपने बालों को बहुत ज्यादा खूबसूरत, चमकदार, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वीवर्स, इन रेमेडीज की और इन हेयर मास्क की खास बात ये है कि आपको बाजार से महंगे शैम्पू, कंडीशनर्स या कोई ऐसी क्रीम्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है कि जो आप अपने हेयर्स पर अप्लाई करें वो आपके बजट से भी आउट हो और उसका आपको कोई फायदा भी ना हो, क्योंकि यूजुअली उन क्रीम्स में या उन कंडीशनर और शैम्पूज में काफी ज्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं जो आपके हेयर को वक्ती तौर पर तो खूबसूरत बना देते हैं लेकिन अंदर से उसको जड़ों से डैमेज कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, इन हेयर मास्क को इजीली अपने घरों पर बनाएं और इसको अपने हेयर्स पर अप्लाई करें। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज।